नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं और लोग अभी भी इस बात को लेकर अटकल लगा रहे हैं कि आखिर कल जो चार राज्यों के चुनाव हैं, दर्शकों को ये बता दें कि मिजोरम में जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट यानी कि उसका नतीजा कल नहीं आएगा, 4 दिसंबर को आएगा। तो जो कल नतीजे आएंगे वो चार राज्यों के हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन चार राज्यों में स्कोर कार्ड क्या हो सकता है, इसको लेकर अटकल शुरू हो गई है कि क्या 4-0 होगा या 2-2 होगा, 3-1 होगा। उस स्कोर कार्ड की बात बाद में करते हैं, सब उस बात की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो आपसे मैं बात करना चाह रही हूं वो बात ये है कि स्कोर कार्ड कोई भी हो लेकिन मोदी जी की छुट्टी तय है। अब मैं इसलिए आपको ये बता रही हूं कि मोदी जी का जो दबदबा इतने सालों से आप देख रहे हैं वो दबदबा कम होता हुआ तो नजर आ ही रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद मोदी जी अपना झोला उठाकर कहीं जाने की तैयारी करने लगेंगे। और उसका कारण है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब आप ये देखिए, एग्जिट पोल्स जो कि क्लोज कॉन्टेस्ट बता रहे हैं कि बहुत टाइट रेस है बीजेपी और कांग्रेस में, तो अगर मान लीजिए कि राजस्थान, मिसाल के तौर पर आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर राजस्थान में टाइट रेस है तो जाहिर सी बात है कि बिना इंडिपेंडेंट एमएलए के, यानी कि जो वसुंधरा के लोग हैं, बिना उनके मदद के क्या बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेगी, तो उसका क्या होगा, यानी कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी अगर बीजेपी राजस्थान में जीती है। और अगर वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेंगी तो आपको क्या लग रहा है कि वो मोदी जी को बख्श देंगी? ये तो वापस उनका कमबैक होगा। उनको कितना अपमानित किया गया, उनको साइडलाइन किया गया, लेकिन आज अगर बीजेपी वसुंधरा राजे की वजह से सरकार बनाएगी तो वो मोदी को क्या समझेंगी? मोदी के ऊपर वो हावी होंगी। उस ठीक उसी तरीके से आपको स्कोर कार्ड अगर मैं मध्य प्रदेश का बताऊं, अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न बनके शिवराज की सरकार बनती है, जिसकी पॉसिबिलिटी एक एग्जिट पोल्स ने बताई है, तो उस पॉसिबिलिटी में क्या होगा? क्या शिवराज जी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बख्श देंगे? शिवराज चौहान को किस तरीके से बीजेपी ने साइडलाइन किया, किस तरीके से अपमानित किया, बाद में जाकर जब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा तो उन्होंने शिवराज को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया और वो माने कि देखिए लाडली बहना की वजह से ही बीजेपी का इतना बड़ा कमबैक है। तो न शिवराज बख्शेंगे मोदी को, न वसुंधरा बख्शेंगी, दो राज्यों की मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। तो अगर ये बड़े रीजनल शत्रप्स अगर मोदी जी पर हावी हो जाएंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि बीजेपी के अंदर की जो खलबली है वो किस हद तक बढ़ेगी, बीजेपी के अंदर के लोगों की बेचैनी किस हद तक बढ़ेगी, और क्या मोदी को वो उसी तरह से मसीहा मानते रहेंगे? तो क्या मोदी जी, और यानी कि जो पूरी गुजरात लॉबी की मैं बात कर रही हूँ, केवल मोदी जी नहीं, अगर हम प्रधानमंत्री के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके झोला उठा के जाने का समय, अब वो उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई है, तो फिर अमित शाह क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि जो पूरी गुजरात लॉबी है एक तरीके से उसके झोला उठाने का समय आ गया है, भले बीजेपी जीते या हारे, लेकिन जो स्कोर कार्ड है, जो जिसकी बारे में लोग अक्सर बात कर रहे हैं कि चारों राज्यों में अगर कल कांग्रेस आ जाती है तब तो बीजेपी की छुट्टी है ही, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं भी आती है, और दो राज्यों का मैं एग्जांपल दे रही हूं कि राजस्थान में अगर आने की चांसेस बीजेपी के बताए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी बताए जा रहे हैं, तो भी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी होनी तय है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा जी हैं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्चर पर, और सर अनम्यूट कर लीजिएगा आप। और आपका जो आपसे मेरा पहला प्रश्न है वो यही है कि कल स्कोर कार्ड क्या आपको क्या लगता है, चार राज्यों का स्कोर कार्ड कल क्या होगा? 2-2, 3-1, 4-0? जी बोलिए। नहीं, मेरा मेरा ये है कि बीजेपी किसी राज्य में नहीं आ रही है, और इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो आपने कारण बताया उनके झोला उठाने वाला, वो कारण यहाँ भी लागू होता है। वो अगर जो छत्रप है जिनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया विजिबली, मतलब सब तरीके से, मतलब ये नहीं है क्या कि उन्होंने कोई उसमें कोर कसर छोड़ी हो, वसुंधरा राजे को उन्होंने डायस शेयर नहीं किया कहीं कैंपेन में, उनको मुख्य मतलब पूरे स्टेट का कैंपेन नहीं कर पाई वो, और दूसरा है क्या कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ओपनली उन्होंने ह्यूमिलिएट किया, बता दिया कि ये नहीं है हमारे कैंडिडेट, चार लोगों को उतार दिया उनके मुकाबले
में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, तो ये और फगन सिंह कुलस्ते, ऐसे मतलब कि कहने मतलब ये पूरी कोशिश की कि छतरप ना रहे, है नहीं, मतलब उन्होंने जनता को यही मैसेज दिया, बीजेपी अपने लीडर जो हैं स्टेट के उसके बूते चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ये वसुंधरा राजे से फर्क था कि शिवराज सिंह चौहान चूंकि सत्ता में थे इसलिए उनके लिए इजी था, उन्होंने 230 सीट पर कैंपेन कर दिया, तो उन्होंने अपने तय अपने मतलब अपने बूते अपने को डिक्लेयर किया नेता, जबकि बीजेपी की लीडरशिप ने उनको साइडलाइन कर दिया था, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने चैलेंज किया। वो आपको पता ही है कि उन्होंने एक बार पूछा भी कि क्या मोदी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए 2024 में, ये सारा कुछ भी किया उन्होंने, तब उन्होंने आप विद्रोह किया, ये मौका वसुंधरा राजे को नहीं मिला। विद्रोह उन्होंने भी किया लगातार, वो डटी रही, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, तो उनको रिएक्ट भी किया उन्होंने, अपनी जो उन्होंने कैंडिडेट्स अपने थे उनको सीटें उनको टिकट भी दिलवाया उन्होंने, और वो टिकट दिलवाने के बाद उनके लिए कैंपेन किया, लेकिन बाकी जगह उनका कैंपेन नहीं हुआ। तो इस स्थिति में मैं तो मानता हूं कि मध्य प्रदेश और ये राजस्थान दोनों जगह चूंकि मोदी जी ही चेहरा थे इसीलिए शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे दोनों ने कोशिश की होगी कि बीजेपी जीत करना है, ये एक नया थ्योरी है, बहुत लोग इससे नारा मतलब इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन वो चाहते होंगे कि बीजेपी चूंकि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, अगर वो जीत करके आ जाते हैं आ जाती है बीजेपी, इसका मतलब है उनका पॉलिटिकल करियर फिलहाल के लिए खत्म, चाहे उनके लोग भी आ जाए जीत कर तो भी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे बनाएंगे मोदी और अमित शाह, ये क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में ये जानते हुए कि हम मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं जी, बन, आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की कोशिश पूरी रहेगी कि क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है इसलिए बीजेपी ना जीते। क्या वसुंधरा राजे ने इसकी कोशिश की है? उसमें देखिए ऐसा है कि जो 40 सीट उनके पास है जो उनकी उनके कैंडिडेट्स, उन्होंने दम लगा करके उनको कोशिश की, क्योंकि आगे भी पॉलिटिक्स करनी है उनको, तो उन्होंने दम लगा के कोशिश की कि उनके वो सीट जीत जाए उनके कैंडिडेट्स, लेकिन बाकी सीटों पर जो भी उनका प्रभाव रहा होगा उनके लोग होंगे उन लोगों ने निश्चित तौर पर बीजेपी कैंडिडेट को हराया होगा, ताकि बीजेपी को बहुमत ना मिले वहां, अगर बहुमत मिल जाता है तो ये भी दो बातें तय होंगी, एक तो ये कि वसुंधरा राजे के बिना भी बीजेपी सरवाइव कर सकती है, दूसरा ये भी तय हो जाएगा कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है स्टेट्स में भी, तो ये दोनों स्थिति में वसुंधरा राजे को क्या पॉलिटिकल बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए वो अपने को अगर सरवाइव करना चाहती है तो उनके लिए कोई भी पॉलिटिकली जो शार्प है समझदार है वो करेगा, और ये हम लोग जानते हैं, कई बार जानते हैं, हमने महाराष्ट्र में शरद पवार को देखा है कि जब उनको लगा कि सारे कैंडिडेट नहीं जीतने चाहिए तो उन्होंने कुछ रिबेल्स को जिता दिया और अपने कांग्रेस वालों को हरा दिया, और इसमें तो मैं आपको कोट कर रहा हूँ सीताराम केसरी जी से एक बात बात हो रही थी, तो विलासराव देशमुख हार गए थे चुनाव, तो विलासराव देशमुख ने सीताराम केसरी को शिकायत की कि हम मुझे पवार साहब ने हरा दिया, तो उस उन्होंने सवाल किया केसरी जी ने, जो हम मुझको खुद बताया उन्होंने कि मैंने विलासराव से पूछा कि भाई जो चुनाव हरा भी सकता है और जीता भी सकता है तो नेता कौन हुआ, नेता शरद पवार हुआ ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान दोनों की कोशिश होगी कि बीजेपी नहीं आए चुनकर, और अब ये जो एग्जिट पोल का खेल चला है वो खेल है मैनिपुलेशन का, कोशिश कर रही है बीजेपी का नेतृत्व मतलब वो जो सेंट्रल नेतृत्व है कि किसी तरह से मैनिपुलेट करके चुनाव को जिस तरह से जिताया गया वहां बिहार में कि 1,000 2,000 5,000 जो चाह वहां पर उन्होंने कराया, वो यही इसी तरह से यहाँ पर जीतना चाहती है, ये निश्चित तौर पर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान उनके कब्जे में आ जाए और जीत जाए, ताकि इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि मोदी जी अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है और वो चुनाव नहीं जिताने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अनिल ये जी, जो आप देखिए एक मिनट एग्जिट पोल में जो आपने देखा कि कुछ एग्जिट पोल ने
जो दलाल मीडिया के हिस्सा है, जो गोदी मीडिया ही कहिए उन्हीं का एक्सटेंशन है, उन लोगों ने ये मैनिपुलेट किया है ताकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है या चुनाव अधिकारी हैं वो मैनिपुलेट कर सके बीजेपी के फेवर में, हवा पहले से बना रहे हैं, ये मेरा मानना है। नहीं, लेकिन जो बात आपने जो संकेत दिया कि वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी जीते क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत झोंकी है, तो फिर इसका असर आप बीजेपी पर क्या देखते हैं? क्या अब हम ये देखेंगे कि जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो रीजनल क्षत्रप्स हैं, क्या अब वो आने वाले दिनों में मोदी जी के ऊपर इतने हावी हो जाएंगे? क्या बीजेपी के का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है उस पर अब ये रीजनल नेता काफी हावी हो जाएंगे? तो पार्टी तो क्या होगा? पार्टी तो अंदर से टूटने लगेगी फिर। पूरे हिंदुस्तान के जो बीजेपी में राज्य में जो भी प्रोविंसेस है उसमें आएंगे ये आवाज, मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे कम जिसमें आवाज सुनाई देती है लोगों को वो बिहार से भी आएगी। सुशील कुमार मोदी जैसे लोग कहेंगे कि इनको अब निकालो, और क्योंकि उनको भी साइडलाइन करके रखा है। पूरे बंगाल से आएगा, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बिठा दिया है, पुराना बीजेपी लीडर गायब हो गए हैं। असम से आएगा, नहीं सबसे तो ज्यादा यानी महाराष्ट्र कि से आएगा, गडकरी। आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है और इसको थोड़ा सा और ज्यादा मैं हाईलाइट करना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि क्या मोदी निकालो का नारा तेज हो जाएगा? जो राज्यों की बीजेपी की यूनिट्स हैं वहां से मोदी निकालो का नारा या उसके सुर क्या और तेज हो जाएंगे? अनिल जी, अनिल जी बोलिए। हाँ, ये जो आपने सवाल किया कि वो आप समझ लीजिए इक्वेशंस, ये जितना गडकरी है अपने देवेंद्र फडणवीस हैं, वो दोनों एक दूसरे का नहीं चाहते हैं, लेकिन वो भी अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए इकट्ठा आ जाएंगे। एक एंटी मोदी समझिए कि यूनिट, मतलब ये होगी, मतलब यूनिट मतलब उनका एक साथ आना, इकट्ठा होंगे और वो सब लोग चैलेंज करेंगे मोदी की लीडरशिप को। इसीलिए जरूरी है, बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक कहने जा रहा हूँ जिसकी मुझको मतलब मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, कि देश भर के बीजेपी के नेताओं ने जो चाहते हैं कि मोदी अब विदा हो जाए लीडरशिप से, उन लोगों ने कोशिश की होगी उन्होंने कि इन ये दोनों राज्य मतलब जीत करना है बीजेपी हमको। अब मैं इसकी जरूरत ही नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है अपने दम पर लड़ा, अपनी नैरेटिव के साथ लड़ा, लेकिन ये लोग जो है जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें ये बहुत कोशिश होगी कि बीजेपी, ये है बीजेपी एकदम डिवाइडेड हाउस है। अनिल जी, आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। मैं आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी और मुझे 2 सिनारियोज नजर आते हैं। या तो मोदी निकालो या मोदी को भगाओ, ये नारा तेज होगा, या तो फिर जो बीजेपी की कोशिश है लोटस ऑपरेशन लोटस की, कि तोड़फोड़ अभियान बीजेपी में और तेज किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई अगर सरकार को बचाना है, अपनी साख को, बीजेपी को बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ड्रास्टिक करेगी। तो क्या आने वाले 4-5 महीने, जब तक आम चुनाव की डेट्स घोषित नहीं हो जाती है, मेरे ख्याल से शायद मार्च में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा जनरल इलेक्शन के लिए, तो क्या अभी से लेकर मार्च तक का जो ये समय है, क्या ये बीजेपी केवल और केवल तोड़फोड़ में लगी रहेगी कि उसका एमएलए इधर से खींचो, उसका एमएलए उधर से तोड़ो? क्या यही अब होने वाला है अगले 3 या 4 महीने में? क्योंकि बीजेपी के पास एक विकल्प नहीं है। अगर बीजेपी के अंदर ये नारा तेज होता है कि मोदी को निकालो, तो फिर या तो ये नारा तेज होगा, और नहीं तो दूसरा विकल्प जो दिखता है पूरे देश में वो ये है कि जहां जहां पे भी चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां संभव है, उन सरकारों को गिरा दो। अगर मध्य प्रदेश या राजस्थान में एक भी अगर सरकार अगर बीजेपी के अपने से आ जाती है, मतलब नतीजों के आधार पे, तो उसके बाद मोदी खुलकर खेलेंगे और राजस्थान में भी सरकार उनकी, मतलब जो भी स्टेट बच जाएगा वो तोड़फोड़ करके सरकार बना लेंगे, ये आप निश्चित जानिए। ये नहीं, तोड़फोड़ का खेल शुरू हो गया है, एग्जिट। अनिल जी, एक सेकेंड, आपने कहा कि मोदी जी खुल के खेलेंगे अगर वो एक कहीं जीत गए, लेकिन क्या कांग्रेस उनको अब खुल के खेलने देगी? क्योंकि आप देख लीजिए कांग्रेस की भी जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, आप जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय अपनी पूरी टीम के साथ बैंगलोर में बैठे हैं, बैंगलोर से सारी चीजों का संचालन हो रहा है, और कल डीके शिवकुमार ने जिस तरीके से कहा है कि मैं तो 5 राज्यों के एमएलए को संभालने के लिए मैं सक्षम हूँ, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, तो क्या ये बात सही है नहीं होगी कि क्या कांग्रेस इस तरीके से मोदी जी को खुला खेल खेलने के लिए देगी? कैसे होगा ये चीज?
ये अब डिफिकल्ट हो गया है। कर्नाटक इलेक्शंस के बाद थोड़ा ये सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। कर्नाटक इलेक्शंस के बाद एक मजबूत स्टेट उनके हाथ में आ गया है, रिसोर्सेस भी आ गए हैं, तो वो और छत्तीसगढ़ का उनको सरकार उनको मिलने वाली है, तो वो इसे अब हिमाचल में भी सरकार है उनकी, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए ये जो जगह है ये बहुत मुफीद जगह है, हिमाचल भी और कर्नाटक भी। यहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब सैरगाह हैं जहाँ पर कि आप एमएलए को रख सकते हैं, तो ये स्थिति है। अब अनचैलेंज नहीं रहेगा लेकिन पूरी कोशिश होगी। दूसरा एक और है कि सबसे वल्नरेबल गवर्नमेंट दो है, एक तो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है जहां पर कुछ भी तोड़फोड़ करने की कोशिश वो खूब जम के करेंगे, एक बिहार है यहाँ सीटें भी अच्छी हैं लोकसभा की, वो उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि 2024 के पहले जितनी कम विपक्ष की सरकारें हो आप वो उतना अच्छा है। इसके लिए देखिए कर्नाटक में जिस दिन से तमिलनाडु सरकार आई को है, छोड़ दिया, तमिलनाडु को छोड़ दिया सर, तमिलनाडु भी तो है, स्टालिन की बारी नहीं भी आ तमिल सकती है। नहीं तमिलनाडु में कुछ है नहीं ना बीजेपी का, बीजेपी वहां खुल के खेलने की स्थिति में ही नहीं है। वहां जो एआईएडीएमके भी डिवाइडेड हाउस है और वो इतना दूर का मतलब वहां कहता है कि चांद बहुत दूर है, इस टाइप की स्थिति है, उसको तोड़ कर लाना मुश्किल है। लेकिन ये जो है ना ये उनके लिए बहुत आसान है, मतलब कम से कम बिहार के लिए, तो बिहार बहुत वल्नरेबल है अभी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे ही एक सीट एक एक राज्य उन्होंने जीता तो उनको पैर रखने के लिए जगह मिल जाएगी और ये कहने के लिए जगह मिल जाएगी कि हम जो है मोदी जी अभी भी चेहरा है। आप देखिएगा कि विजय का जो रैली होती है उनकी, एक भी अगर राज्य उनको मिल गया इस हिंदी स्टेट में, तो वो हिंदी स्टेट में ही है, मतलब एक तेलंगाना तो गोन केस है वो मिलने वाला नहीं है, तो अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक भी सीट मिली उनको तो वो सीधे जाएंगे और विजय वो जो विजय रैली उनकी निकलती है बीजेपी हेडक्वार्टर से वो निकलेगी और वो उसमें बताएंगे कि कैसे जो है इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हुआ, वो उस नैरेटिव बदलने की कोई, और ये एग्जिट पोल उसी का इंडिकेशन है, ये गोदी मीडिया का एक्सटेंशन है। इसने जो जो जिन लोगों का वायरल हुआ है वीडियो उनको मतलब पत्रकारिता कलंकित करने के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा, और जान के कि इतने शर्मनाक है उससे पता चलता है कि ये स्टूडियो में बैठ करके ये इसको उन्होंने कहा है, इसलिए ऐसा कहा ताकि लेजिटिमाइज कर सके कि वो जो है तो सच्चे डाटा है, बिल्कुल मतलब अलग से बिल्कुल। वीडियो उन्होंने वायरल करा है। हाँ, लेकिन जो आज का सिनारियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोर कार्ड कोई भी हो, मोदी जी की छुट्टी तय है। अब इस सिनारियो के बारे में ही मैं स्पेसिफिकली अनिल जी आपसे बात करना चाह रही हूं कि आपको लगता है कि झोला उठाकर जाने के लिए मोदी जी इतनी जल्दी सरेंडर कर देंगे? मोदी जी का जो नेचर है और जिस तरीके के क्या मतलब जो ऑप्शंस है या ऑल्टरनेटिव जो आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है? ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी हम और आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी झोला उठा के चल देंगे तो वो तैयार हो जाएंगे जाने के लिए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन सिचुएशन क्या ऐसी बन पाएगी? क्या वो इस चीज के लिए रेडी हो पाएंगे? जी नहीं, मैं पहले आपको ये समझिए कि सिनेरियो आप दोनों सिनेरियो जो रख रही है ना उसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन मतलब बदल करना चाहता हूँ। बोलिए। जीतेंगे वो तब उनको कोई हटा नहीं सकता बीजेपी से, ये आप समझ लीजिए, और उसके बाद विद्रोह होगा 2024 के लिए। 2024 के पहले शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे वगैरह कोशिश करेंगे कि 2024 में इतना सेबोटेज कर दें कि बीजेपी जीत करना है, वो जीत कर आएंगे तो भी यही करेंगे और जीत करना है तो भी यही करेंगे, लेकिन अभी वो डिमांड नहीं हो पाएगा कि उनको हटाया जाए, क्योंकि वो जब जीत कर आएंगे उसके बाद तो इतना डंका पीटेंगे और उसके बाद आरएसएस की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसको उनको बाहर कर पाए। लेकिन अगर जैसे ही ये इलेक्शन अगर लूज कर गए तब उनके ये डिमांड आएगा, तब ये जो उनके विरोधी बीजेपी में बैठे हुए हैं उनके लिए मौका आ जाएगा कि वो कहेंगे कि रीथिंक करना चाहिए उनकी लीडरशिप पर, और तब ये सब ताश के महल उन्होंने बनाए नेतृत्व में वो महल बिखर सकता है। लेकिन अगर वो हार हाँ गए तभी होगा ये, जीत गए अगर तो वो नहीं करने देंगे, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है, तब ये जो छत्रप है वो उनका झोला उठाने का तो नहीं वक्त आएगा लेकिन वो सेबोटेज करने की स्थिति में आएंगे और वो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते।
नहीं, लेकिन मोदी जी अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी जी क्या कर सकते हैं, बीजेपी और क्या कर सकती है, उसका तो एक अंदेशा है। लेकिन जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूं कि मान लीजिए कल चारों राज्य में कांग्रेस जीत जाती है, उसके बाद बीजेपी का हश्र क्या होने वाला है, गुजरात लॉबी का हश्र क्या होने वाला है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या करेगी वो? बीजेपी अगर चारों चार स्टेट अगर वो हार गए तो बीजेपी में मतलब ये कांग्रेस को ये कहने की जरूरत ही नहीं होगी कि ये मिनी इलेक्शंस था, जनरल इलेक्शंस। वो इसके बाद बीजेपी के ही लोग कहेंगे कि ये तो सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल हार गई है बीजेपी, अब ये लीडरशिप चलेगी नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन जीत गए तो ये इन लोगों को ये इनको कहेंगे कि आप लोग चुपचाप बैठो, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को, वो लोग उन लोगों को तब इंतजार करना पड़ेगा इसका 2024 का। वो लोग एसर्ट करेंगे जो जितने एमएलए लाए हैं तब ये सब मामला। लेकिन बीजेपी में तब जीतने के बाद टूट फूट होगी, डिमांड भीतर में नहीं होगी, टूट फूट होगी। वसुंधरा राजे और ये अगर मार्जिन थीन मार्जिन रहा तो वसुंधरा राजे और ये शिवराज सिंह चौहान दोनों चाहेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट ना बने, और इसके लिए जो एमएलए को इधर उधर जाना है या करना है तब वो अलग सिनेरियो होगा। वो सिनेरियो में एक भगदड़ मचेगी बीजेपी में। और अगर ये मतलब वो दोनों केस में बीजेपी डिस्टेबलाइज हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूं कि अस्थिर होने वाली है राजनीति उसकी। दोनों केस में आपने कहा कि बीजेपी डिस्टेबलाइज हो रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अलग करके देखने की भी जरूरत है कि एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अगर इन दोनों पैरेलल्स को देखा जाए तो क्या होगा? क्या मोदी जी और अमित शाह एक लाइन में चलेंगे, फिर बाकी जो बीजेपी है वो दूसरे लाइन में चलेगी? और जो एक तीसरा सिनारियो बनता है कि भाई अभी तक जैसे मोदी जी आरएसएस की बहुत ज्यादा बातें नहीं मानते थे, ये कहा जा रहा था कि मोदी इज बिगर नाउ देन द आरएसएस, तो क्या अब आरएसएस एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर हावी होगा? क्या ये सिनारियो बनेगा कि आरएसएस का मंथन हो, फिर ये कहा जाए कि मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं बनेंगे, 2024 में कोई दूसरा एक कैंडिडेट आ सकता है? क्या इस सिनारियो पर भी बात होनी शुरू होगी आफ्टर दिस रिजल्ट? देखिए ये सिनेरियो है वैसा ही जैसा कांग्रेस विभाजित हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। संगठन था, संगठन कांग्रेस के हाथ में, बाद में जो संगठन कांग्रेस बना उसमें जितना जितने टॉप लीडर्स थे वो संगठन में रह गए, और ये मोदी मतलब सॉरी इंदिरा गांधी अपने बूते आगे निकल गई। लेकिन उसका फर्क यही है कि उस इंदिरा गांधी पॉपुलर थी ये, और पॉपुलर होने की वजह से उन्होंने अपने संगठन को चुनौती दी और संगठन के जो बड़े नेता थे वो बाहर रह गए। अभी क्या स्थिति है कि मोदी अभी पॉपुलर दिख रहे हैं लेकिन जब हार जाएंगे और चुनौती आएगी तब वो एक अनपॉपुलर लीडर होंगे लोगों की नजर में, वो उल्टी स्थिति होगी। और दूसरा है क्या कि दूसरा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बीजेपी कोई संगठन नहीं है, वो एक सिर्फ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है आरएसएस, जैसे आपका होता है ना बाकी संगठन। वो कहते हैं कि हमारा राजनीति का जो संगठन है वो ये है भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी से, सब जो 75 संगठन गिनाते हैं वो उसमें एक भारतीय जनता पार्टी है, तो संगठन है असल में आरएसएस। तो आरएसएस जो है वो कांग्रेस टाइप में सिचुएशन नहीं है, यहाँ संगठन उनके हाथ में है। तो वो अगर चाहेगी कि मोदी को रखना है तो 2024 में कोई उनको नहीं हटा सकता है, तब ये लीडर्स को चुपचाप बैठना पड़ेगा। लेकिन उसमें से फैक्टर्स ये है कि कुछ लीडर्स हैं जो उनके चाहते हैं। दूसरा है क्या कि अगर मोदी हार गए ये इलेक्शन जिताने में तब वो रीथिंक करेगी करेगा आरएसएस कि इनको क्यों रखा जाए, और उनके लोग हैं ही पहले से, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, ये सारे लोग आरएसएस के एकदम पक्के लोग हैं। और इवन यो अभी के दिनों में योगी आदित्यनाथ, ये पुराना कैडर है, सुशील कुमार मोदी, वो सब आरएसएस के पक्के लोग हैं। तो ये जो और बीच में इन्होंने घुसा लिया है जो बंगाल में सालों से उनके साथ काम करते रहे हैं, असम में काम करते रहे हैं, तो ये सारे लोग जो है एक बार करेंगे तय तो तब ये किसी भी इनको झोला लेके जाना पड़ेगा। जो आपने कहा उसमें अगर आरएसएस ने तय कर लिया कि झोला आप ले लो
तो ये कोई इनके सामने आडवाणी को आप देख चुके हैं टॉप लीडर, उस समय जिस समय आ रहे आडवाणी यहाँ थे सीन में, इंडिया में नंबर वन लीडर थे, वो रिटायर हो रहे थे वाजपेयी, और अपोजिशन में सोनिया गांधी एक उनका कॉम्पिटिटर थी, लेकिन जिसको आप कहते हैं कि टॉप मतलब टॉलेस्ट लीडर वो उस समय आज आडवाणी ही थे, अपने संगठन सांगठनिक क्षमता अपने मतलब जितना लोगों से उनकी पहुंच थी उसके, लेकिन उनको एक दिन में उन्होंने निकाल दिया। वैसा ही हो सकता है 2024 में के पहले की मोदी के साथ हो, इसीलिए मोदी जी ने जो फील्डिंग की बीजेपी में फील्डिंग की, वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान अगर अपने बूते आ जाते हैं जीत करके तो उसके बाद 2024 में नहीं रहने देंगे उनको, तो इसीलिए उनको पहले वीकेंड किया, ताकि उनको मालूम था कि हमको बाहर वाले जो चुनौती देंगे वो बाद में देंगे, पहले तो अंदर में ही हमारी मतलब खाट खड़ी करने के लिए जिसको कहता है लोग तैयार है, तो ऐसी इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो दो इस सिनेरियो में जीत अगर जाते हैं तो अंदर से डिमांड नहीं होगा, सबोटेज होगा 2024 के लिए, और लेकिन वो कैंडिडेट रहेंगे, अगर वो हार गए तो निश्चित रूप में उनको झोला थमा देगी मतलब बीजेपी, बीजेपी नहीं मतलब आरएसएस थमाएगा, और बीजेपी तभी बिल्कुल उनके हाथ में है, और लीडर्स जो है जो अभी इनके प्रशस्तियां गा रहे हैं जो लीडर्स, उसमें भी से आप देखेंगे कि 90% छोड़ के उनके उनका मतलब उनका खेमा छोड़ के दूसरे खेमे में चले जाएंगे, ये आनंद जी, क्रूशियल है दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही क्रूशियल है और इसी इसी से ही, इसी फैक्ट से ही जुड़ा जो मेरा अगला सवाल है कि क्या आज मोदी जी के लिए सबसे बेचैनी वाली रात आज होगी, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि अब आज उनको रात को ये डिसाइड करना होगा कि उनका झोला यहाँ रहेगा या फिर उनको झोला उठाकर पैक करके कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उनके लिए जितनी बेचैनी की रात है उतनी बेचैनी की रात रहेगी बहुत लोगों के लिए, लेकिन उसमें अमित शाह का भी नाम शामिल करिए, क्योंकि अमित शाह ने ही सारी ये जो जो भी कुछ चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन मोदी जी के का एजेंडा का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम वही करते हैं, तो इसीलिए उनकी उनकी नींद सबसे ज्यादा ये होगी, क्योंकि वो डिटेल्स उनके पास है, कहाँ कितना कैंडिडेट दिया है, किसको दिया है, क्या कहाँ कितना किस तरीके से लोग चुनाव लड़ रहा है, कहाँ वोट कटवा कैंडिडेट खड़ा किया है, ये सारे डिटेल्स उनके पास है, कहाँ समाजवादी पार्टी सेबोटेज करेगी, ये सब डिटेल्स उन्हीं के पास है। और दूसरा है कि उन लोगों को नींद थोड़ी सी उड़ी हुई रहेगी जिन लोगों ने पैसा लगाया है, पैसा लगाया है क्या कि बीजेपी ने ह्यूज मनी खर्च किया है, जिसके बारे में आपको ये लोगों को अंदाजा नहीं हो सकता, बहुत खर्च किया है चुनाव लड़ने के लिए, तो जो पैसे दिए हैं बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने उनकी नींद खराब होगी, दूसरा नींद खराब होगी ब्यूरोक्रेट्स की जो बेमानियां कर रहे हैं लगातार बीजेपी के लिए, तो नींद खराब होने नींद जो जिनकी उड़ी हुई रहेगी, और सुबह सुबह जो टीवी चैनल्स पे या अपने मोबाइल पे या जो भी उनका सोर्स है वहां पहुंच जाएंगे, नींद तो हमारी भी उड़ी रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो झोला जल्दी उठाए थमा दे उनको, तो इसीलिए नींद बहुत लोगों की है, उसमें अकेले मोदी जी का नाम मत लीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर मोदी जी झोला उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी दुकान समेटने में लग जाएगी कि भाई ठीक है अब समय आ गया, अब अपनी दुकान समेटो। लेकिन जो दूसरा चैलेंज कांग्रेस के लिए है, हमें उसकी भी बात करनी चाहिए कि अगर बीजेपी की दुकान समेटेंगे, मोदी जी झोला उठा के जाएंगे, तो फिर कांग्रेस को भी तो अपनी दुकान सजानी है। कैसे कांग्रेस सजाएगी? क्या कांग्रेस के पास इतना वेयर विदॉल होगा कि अचानक से अब समय कम है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। मान लीजिए कि चारों पांचों राज्यों में कांग्रेस से समय आ जाती है तो एक बड़ा मोमेंटम तो होगा, लेकिन क्या एक बड़ा चैलेंज भी कांग्रेस के सामने नहीं है कि मोदी जैसी एक माइटी फोर्स, जिसको कि सब हम लोग अभी से बात कर रहे हैं कि नहीं भाई उनको झोला उठाने का समय आ गया, हो सकता है कि ऐसा कुछ सिनारियो बने ही ना, लेकिन दूसरा सिनारियो अगर ऐसा कुछ सिनारियो बनता है तो कांग्रेस के लिए क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं होगी कि उसको अपनी दुकान सजानी है 2024 तक के लिए? कैसे करेगी? उनके कितने लीडर्स हैं, उनके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी सब पड़ा हुआ है, और एक नहीं 50 चैलेंज है, तो कांग्रेस क्या उस चैलेंज से निपट पाएगी आने वाले महीनों में? नहीं, आप ये गलत समझ रही हैं, वो झोला मतलब बीजेपी एक तो दुकान उठाना, मैं आपको बता दूं कि ये नहीं व्यापारी लोग इसको नहीं कहते, दुकान बढ़ाना बोलते हैं जब वो दुकान बंद करते हैं, तो नहीं, दुकान लेकिन बढ़ाना के मोदी जी झोला उठा लेंगे तब तो बीजेपी की दुकान बंद ही होगी ना फिर। नहीं, कौन बोला,
आरएसएस है इतना लंबा पुराना संगठन, ये उनको राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। दुकान बढ़ाने का अभी समय नहीं, और बीजेपी का नहीं आया है, मोदी जी का झोला उठाने का समय है इंडिविजुअल के रूप में। बीजेपी अभी रहेगी, आरएसएस भी रहेगा, ये गलतफहमी में ना रहा जाए। दूसरा है कि ये कांग्रेस की आपने बात कही, कांग्रेस इतनी आसानी से वो झोला न उठाने वाले हैं, न बीजेपी दुकान बढ़ाने वाली है। ये वो बहुत फाइट होगी, अभी एक फियर्स बैटल शुरू हो जाएगा। अगर वो जीत गए मतलब एक भी स्टेट, तो उसके बाद बिहार की सरकार को गिराएंगे, गिराने की कोशिश होगी, ममता को डिस्टेबलाइज करेंगे। 2024 तक आपको बहुत सारा खुला खेल मिलेगा। अगर वो हार गए तब बीजेपी में इन फाइट शुरू होगी, इन फाइटिंग तो शुरू होगी, तो उसको कंटेन करने में लग जाएंगे। लेकिन इसमें वो पूरा इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने एजेंसी बना कर रखी है, सब जगह उन्होंने ऑफिसर्स ऐसे बना कर रखे हैं जो कि नौकर चाकर की तरह काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो जो है वो उनके काम आएंगे, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके हैं वो थैली खोलेंगे। तो वो दोनों हालत में उनके लिए डिस्टेबलाइज होगा। लेकिन आपने आपने उसकी बात तो की नहीं कि अगर मोदी जी एज एन इंडिविजुअल झोला उठा लेंगे तो फिर अदानी का क्या होगा, अदानी ब्रदर्स का? नहीं, जल्दी नहीं उठाने वाले हैं भाई, ये कौन बोला? ये आपको देख रहा है, देख रहे हैं, जहां पर कि इन्होंने जीत नहीं हासिल की उसके बाद भी विजय रैली करते देखा है मैंने। ये आदमी तो ट्रंप टाइप का, मतलब मोदी जी का ट्रंप स्टाइल में है। कई राज्यों में ऐसा हुआ कि थीन मेजोरिटी थी, नहीं मेजोरिटी हो रही थी, 6 बजे तक लग रहा था कि अब नहीं विजय रैली होगी, और तुरंत फूल माला वगैरह सब ले करके पहुंच गए और बोल दिया कि जीत हमारी हो गई, बाद में सरकार भी बना ली। तो ये जो है वो इस तरह मानने वाले नहीं है, ये ट्रंप से ज्यादा। वहां तो एक स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी है, एक स्ट्रांग ओपिनियन मेकिंग का ये है। गोदी मीडिया इस तरह का नहीं है, कूदो फांदो मीडिया, मतलब मीडिया है वहां, मैनिपुलेट बहुत कर रहा है वो भी, लेकिन उसका वो एक मर्यादा है, क्योंकि वहां चलेगा ही नहीं। वहां इंस्टीट्यूशंस बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोशिश की, देखते हैं आपका जो ऑफिसर है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिसर है, वही उसके खिलाफ बयान दे देता है और पद पर बना हुआ रहता है। जब वो ऑलरेडी पद पर है तब भी वो उसको सही बात बोलना पड़ता है अदालत में जाके या एजेंसी के सामने, और एजेंसी आपके जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, मतलब प्रधानमंत्री मतलब स्टेट हेड के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ ही जांच करता है। आपने एक कई कई जांच होंगे, ट्रंप के जांच की जांच चल रही थी कि रशिया के साथ क्या हुआ था उनका, मतलब कोई कंप्रोमाइज तो नहीं था, इस तरह के। तो मतलब उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, यूके एंड यूएसए में आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं है। और उसके बाद मीडिया है, मीडिया तो देख रहे हैं, एक न्यूज रूम का अपना लीक करवा रहा है वायरल, अपना ही न्यूज, मतलब कितना नीचे चला गया है वो, आप अब इससे बड़ा उदाहरण क्या है? और वो एक बड़ा चेहरा, बहुत ही आदरणीय चेहरा रहा है वो शख्स। मैं कल सोच रही हूं कि कल का अगर स्कोर कार्ड 4-0 रहा, यानी कि 4 राज्यों में कांग्रेस और 0 में बीजेपी, मान लीजिए अगर ये स्कोर कार्ड होता है तो गोदी मीडिया क्या करेगा? क्या हेडलाइन कल वो चलाने वाला है? वो क्या डिस्कशंस अपने बंद कर देगा प्राइम टाइम के? क्या करेंगे? क्या ये सब किधर जाएंगे मुंह छिपाने के लिए? नहीं, गोदी मीडिया क्या करेगा वो देख लीजिए। वो कई बार ऐसा हुआ है, चुनाव जब हारने लगता है तो उनके चेहरे देखिए, और उसके बाद उनका ये देखिए, वो ऐसा ही उदास होकर बैठ जाएगा। नहीं, क्योंकि ये सुसाइड करने वाला भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने शर्म लिहाज तो खत्म हो गया है ना, तो ये सब ऐसा भी कुछ नहीं करेगा कि रिजाइन कर दिया या घर चला गया। ये लोग वही बेशर्मी से बैठा रहेगा, जब इतनी बेशर्मी से ये काम कर रहा है तो वो बेशर्मी करे, लेकिन चेहरे से पता चलेगा आपको कि दुख का जो बादल है वो कितना घिर जाएगा। दुखी तो हम भी होंगे अगर ये लोग जीतेंगे तो। मैं कोई झूठ झाट बोलने वाला आदमी नहीं हूँ कि आपको बोल दूं, मैं बहुत दुखी होऊंगा, क्योंकि तो लोकतंत्र स्टेक पर है, और लोग अगर इसको नहीं बचा पाए और अगर ये लोग जीत करके आ गए तो जो तांडव ये करने वाले हैं अभी, तो और भी कई वो जो तो ये जो भारतीय दंड संहिता और इसके जो आने वाले न्याय संहिता वाला आने वाला है, उसमें तो जेल में डालेंगे और 3-3 महीने तक आप कुछ नहीं कर सकते, अंदर रहेंगे बिना बताए हुए। तो ये स्थिति है, लोकतंत्र का सर्वनाश हो जाएगा। लोगों ने वोट डाल दिया है, इसलिए अपील करने की बात नहीं है, लेकिन उनके उनके सदविवेक पर हम लोग जो है भरोसा कर सकते हैं कि लोगों ने, जो भारत के लोग हैं, गरीब लोग, गांधी जी को कोई कोट कर रहा था कि गांधी जी ने कहा था कि ये लोग अनपढ़ भले हैं, गरीब हैं,
लेकिन विवेकवान है, बुद्धिहीन नहीं है, मूर्ख नहीं है, और इसीलिए वयस्क मताधिकार की वकालत की थी कि सबको मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये अब मिला और उन्होंने साबित किया कि इंदिरा गांधी तक को सत्ता से हटा दिया, तो इसीलिए उनके विवेक पर हमको, हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। कल कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपका जो झोला उठाने वाला जो मुहावरा है वो लागू हो, मतलब कि स्थिति बनेगी। चलिए, तो कल स्कोर कार्ड कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को झोला उठाना ही पड़ेगा, और ये झोला उठाने का जो काम है, ये शायद आरएसएस भी उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा कि मोदी जी को मजबूर होना पड़ेगा कि वो अपना झोला उठाएं और दिल्ली से अपनी दुकान को समेटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कल उम्मीद है अनिल सिन्हा जी आप हमारे साथ न्यूज लॉन्चर पर भी रहेंगे रात को 9 बजे। कल न्यूज लॉन्चर पर सुबह से ही हमारी दिन भर की कवरेज रहेगी, अलग अलग विश्लेषकों के साथ, अलग अलग एंकर्स के साथ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज लॉन्चर पर। थैंक यू।